नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एके सिंह। और आज जो हमारी बातचीत है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर। कई तरह के होते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चार तरह के कंसंट्रेटर्स यहाँ रखे, और क्या है, कैसे है, खुद से घर पे कैसे असेंबल करें, कब इसका ज़रूरत पड़ता है, कब इसका प्रयोग करें, कब इसके भरोसे ना रहें, तो आज की टॉपिक में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है, हेलो एंड वेलकम टू एकेएस टॉक्स। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन मरीजों के लिए है जिनकी दवा घर पे ही चल रही हो और जो स्टेबल हो, ये सभी मरीजों के लिए नहीं है। वो मरीज जिनकी स्थिति स्टेबल हो, जिनका नॉर्मल रूम एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन 85 से थोड़ा कम, 80 से ऊपर रह रहा हो और उससे नीचे ना गिर रहा हो, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू ऑक्सीजन देने पे लगभग 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से वो 95 के ऊपर मेंटेन कर जाते हो, ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको अपनी उंगली पे आप लगाते हैं, जैसे आज की डेट में ये बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं। अगर ये 94 यानी 94 से नीचे आपका सेचुरेशन दिखाता है तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन, जैसा कि पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर है, कि कब ऑक्सीजन को देने के बाद तुरंत, ऐसा नहीं है कि आपने पाइप इनपुट लगा दिया ऑक्सीजन का, आपने नेजल प्रॉप या मास्क लगा दिया और तुरंत वो 10-15 मिनट वेट करिए और ऑक्सीजन के फ्लो मीटर में आप चेक करें कि पहले 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट देने के बाद 10-15 मिनट वेट करिए और देखिए कि आपके मरीज का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80 या 85 से उठ के 2 लीटर पर मिनट के देने की स्पीड से ये तुरंत 94 प्लस पे पहुंच जाता है, तो आपका काम इससे चल जाएगा। इससे दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि आपका ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो वास्तव में सही काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, अगर अमूमन मार्केट में उपलब्ध जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑन एन एवरेज 90% 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक ये सप्लाई करते हैं, कुछ इससे ऊपर और कुछ इसके नीचे भी होते हैं, तो आप उनको चेक करें। अगर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक देने के बावजूद आपके मरीज का सेचुरेशन जो आप इसमें चेक कर रहे हैं वो 95-94 प्लस नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन कंसंट्रेटर्स के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो एक इंडिकेशन है कि तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं जिसपे 10-15 लीटर तक पर मिनट की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरी स्वयं की माताजी अभी 15 दिनों आईसीयू में रह के आई हैं और वहाँ उन्हें 10 लीटर पर मिनट तक की आवश्यकता पड़ रही थी, वो रिक्वायरमेंट ट्रूली सिलेंडर से ही पूरी हो सकती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करते हैं? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फियर है इसमें से ही ऑक्सीजन को निकालते हैं और उनको छानते हैं, एक्सक्यूज करते हैं और फिर उनको लिक्विफाई करके सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन में लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है और बाकी 1% में सारी गैसेस हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऐसी जगह पे प्रयोग करें जहाँ पे हवा का फ्लो काफ़ी अच्छा हो। छोटे या बंद कमरे में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे हमारे घरों में कूलर होता है या कोई चीज़, तो वो बाहर की हवा को खींच के ठंडी करके फेंकता है, उसी तरह से ये एटमॉस्फियर से, ताज़ी हवा से ये ऑक्सीजन लेता है और फिर उसमें से हवा लेता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के सप्लाई करता है। तो बंद कमरों में इसका प्रयोग करने से बचे। दूसरी चीज, इस कंसंट्रेटर और दीवाल, इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फुट की जगह रखें। पीछे से या साइड से ये अक्सर हवा खींचने का इनका मैकेनिज्म होता है, अलग अलग डिजाइंस में अलग होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो बातें हम बता रहे हैं। जब ये अच्छी हवा, फ्लो हवा, नॉर्मल हवा खींचेगा तो और अच्छा ऑक्सीजन आगे सप्लाई कर पाएगा। दोस्तों, इस बात को समझना आवश्यक है, अगर ये कंसंट्रेटर है इसके में और इस दीवार की दूरी मिनिमम 2 से 2.5 फीट रखें। ये इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बरकरार होना चाहिए। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही खींचता है, एक्सक्यूज करता है, और इसकी दूरी लगभग लगभग 2 फीट से ज़्यादा रखें और बच्चों को की पहुँच, बाथरूम या सीरल जैसी जगहों पे इसको ले जाने से बचें। दूसरी चीज़, वेट के बारे में लोग बात करते हैं,
वेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये हम इसको लेके कहीं घूमने वाले नहीं है। एक बार ये आ गया तो जहां है वहां रखा रहेगा। धन्यवाद। ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके आगे की वीडियो में अब आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है। ये एटमॉस्फेयर से 90-95% प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आइए समझते हैं इसकी वर्क एक्शन क्या है। मित्रों हवा में एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेस। ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यानी कि पीएसए टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें अलग अलग गैसेस के साइज अलग होते हैं और उनको प्रेशर के थ्रू सेपरेट किया जाता है। इसमें एक एयर फिल्टर होता है, कंप्रेसर, एयर हीटर, टैंक, कंट्रोल यूनिट, पीएसए यूनिट, प्रोडक्ट टैंक एंड देन प्रेशर रेगुलेटर। इसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर जाती है। आइए देखते हैं, एयर फिल्टर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आई, कंप्रेसर्स के थ्रू इसमें से ऑक्सीजन को पुश किया गया आगे, हीट एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ पे गैस का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया गया, यहाँ से ये सीधे ऊपर जाती है। इसको फिलहाल के लिए दो सिलेंडर्स लगे होते हैं जियोलाइट मटेरियल के। जियोलाइट एक विशेष तरह का मटेरियल होता है, तो पहले सिलेंडर को ए मान लेते हैं। इसमें से जियोलाइट से नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है और ऑक्सीजन उससे निकल जाती है छेद से। तो ये एक छन्नी की तरह काम करता है, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है छन के और प्रोडक्ट टैंक में इकट्ठा हो जाती है। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। समय के साथ जब टैंक ए फिल हो जाता है, सॉरी कॉलम ए जब पूरी तरह से फिल हो जाता है, तो ये मशीन अपने आप कॉलम ए को ब्लॉक कर देती है और कॉलम बी एक्टिव हो जाता है। अब कॉलम बी का जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा कॉलम ए में भी जाने लगता है, तो कॉलम ए को वो अपने आप ऑक्सीजन से क्लीन कर देता है। तो इस तरह से ये दोनों कॉलम म्यूचुअली एक दूसरे को क्लीन एंड ब्लॉक करते रहते हैं और इस प्रकार से प्योर ऑक्सीजन लगातार हमें टैंक में इकट्ठा होती है और प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू जब भी हम चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वर्क मैकेनिज्म। धन्यवाद। दोस्तों ये है ओवोजेल्स का 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दैट इज मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट, और देखते हैं कि इसके में आपको क्या क्या साथ में मिलता है। ये है ऑक्सीजन आपका नेजल प्रॉम्प्ट और ये रही इसकी मशीन, काफी भारी है तो हमें किसी की हेल्प लेनी होगी। और इसके साथ आपका ये नेबुलाइजेशन के लिए भी आपका ये दिया है, इसके साथ आप नेबुलाइज भी कर सकते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत सी और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की ये मशीन है। ये आप देख सकते हैं, ये साथ में इसके ऑक्सीजन फ्लो मीटर, इसका जो ह्यूमिडिफायर बॉटल यानी कि वुल्फ बॉटल है, ये इस तरह से है, यहाँ पे रखने के लिए बनी है। इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें किसी भी पाइप की आपको आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ह्यूमिडिफायर इसका यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसमें आपने ये भर दिया पानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में और ये टाइट कर दिया, और ये आपने यहाँ पे इसको ध्यान से देखें इस तरह से ये नॉब जो है इसके अंदर जाके खुद ब खुद फिट हो जाएगा और ये हल्का सा प्रेस किया, नाउ इट्स बिल्कुल फिक्स है, ये हिलने का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से यहाँ से खोल लिया, डायरेक्ट पावर सप्लाई में प्लग कर सकते हैं, दैट्स इट। एक बार इसको पीछे से देख लेते हैं, ये इसका फिल्टर पोजीशन है, यहाँ पे इसका ये फिल्टर है जिसमें आप इसको काफ़ी यूज़ के बाद नॉर्मल इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, 2,500 घंटे के बाद ही ये चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से जो नेजल प्रॉम्प है इसको लेते हैं और ये यहाँ पे टाइट कर दिया और पेशेंट के नाक में ये लगा के पीछे माला या हार की तरह इसे लगाते हैं
और इस तरह से यहाँ पे नाक पे लगा के पीछे टाइट कर देते हैं कि पेशेंट को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से यहाँ से ये स्विच है और इसको ऑन किया, ये एटमाइजेशन है, यानी कि कभी अगर नेबुलाइजेशन की आवश्यकता पड़े तो उसको लिया जा सकता है, और दूसरी जो है ये ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हमें ऑक्सीजन के लिए यूज़ करना है तो हमने ऑक्सीजन पे ही ये कर दिया। अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन दबाया तो आप देखें यहाँ पे बबल आना शुरू हो चुका है, यानी कि ये कंसंट्रेटर ऑक्सीजन का फ्लो देना शुरू कर चुका है। ये इसका फ्लो मीटर है, आवश्यकता के अनुसार ये बॉल अगर आप ये देख सकते हैं तो ये दिखा रहा है कि ये लीटर पर मिनट में आप इसे ऑक्सीजन का फ्लो मेजर कर सकते हैं। अभी ये 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से दे रहा है, 2 लीटर, 3 लीटर और इसी प्रकार से मैक्सिमम लेवल इसका 5 लीटर है। तो ये मित्रों ये ऑजेल्स का मेड इन जर्मनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, 5 लीटर कैपेसिटी, 5 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का। आप ये देखें ऑक्सीजन के बुलबुले इससे उठ रहे हैं। ये पॉइंट दिया है, ये नेबुलाइजेशन के लिए है, ये नेबुलाइजेशन का अटैचमेंट इसके साथ है, ब्यूटाकॉट या कनाकॉट किसी भी चीज़ से अगर आपको इसको एस्थिलीन या कोई चीज़ का नेबुलाइजेशन चाहिए तो आप इसमें वो दवा डालते हैं, और इस जगह से ऑक्सीजन की जगह एटमाइजेशन अगर आप ये स्विच ऑन कर देते हैं और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो आपको साथ में ये नेबुलाइजेशन फंक्शन भी देता है। सी यहाँ से ये एयर का फ्लो आना शुरू हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, इसके साथ और सावधानियां क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ मानते हैं ये जलने, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ज्वलनशील गैस नहीं होती है, ये नहीं जलती है खुद भी, लेकिन ये जलाती बहुत है। तो ज्वलनशील पदार्थों से, जलने वाली चीजों से इसको पूरी तरह से दूर रखे, बच्चों की पहुंच से दूर रखे, लिक्विड बाथरूम से या गीली जगहों पे बाथरूम में लेके जाना और जगहों पे इसको लेके जाने से इसको अवॉइड करें। ये सामान्य सी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो ये ह्यूमिडिफायर है, ये वुल्फ बॉटल है, इसकी सफाई बहुत आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है। फिल्टर की सफाई जो कि वीकली सफाई वाले सुपरफिशियल फिल्टर है उसको आप घर पर कर लें, उसको वीडियोज़ में अलग अलग उसमें बताया गया है। जो ये ह्यूमिडिफायर है इसको कायदे से साफ़ करें, हर दूसरे दिन तीसरे दिन साफ़ करें, ड्राई करें, सुखाएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक ट्रांसमीटर हो सकता है, तो इसलिए इसका भी एक ध्यान। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये कंसंट्रेटर कितने देर तक यूज़ किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर आपको बिजली की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है तो इसको 24 घंटे भी लगातार यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप यह बिजली की सप्लाई कितनी आती है। अगर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाती है तो आप बैटरी वाला मॉडल भी खरीद। अच्छा, एक खास बात और, भारत सरकार ने अभी कोविड सिस्टम को देखते हुए, कोविड के सिनेरियो को देखते हुए 1 मई के बाद से इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे जो GST 28% थी उसको घटा के 12% कर दिया है आने वाली 30 जून तक। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी जानकारी बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अगर मैं कहूँ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बनारस के ऑक्सीजन मैन आदरणीय अरविंद खेमका जी के लिए। उन्होंने जितने आज डेट में, आज 16 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तब तक खेमका जी, उनके साथियों ने, उनके मित्रों ने एक भगीरथ प्रयास के तहत प्रशासन के साथ मिलकर 7,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को निःशुल्क सप्लाई किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उनके टीम के, हनुमान प्रसाद पोद्दार, आनंदमयी माता के अस्पताल के लोग, आदरणीय श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी, इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, इतनी तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को एक साथ समझने के लिए। इन सब के इंडिविजुअल वीडियोज़ एंड कम्बाइंड वीडियोज़ सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें जानना हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरा ये डायरेक्ट नंबर है, और हेल्प करिए, हम जीत जाएंगे, हम जीत तो रहे करें दोस्तों। इस उम्मीद के साथ अलविदा कह रहे हैं। अभी तक अगर देखा हो, कुछ समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, ये किसी न किसी का जान बचा सकते हैं, किसी को गिरने से उठा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आगे भी बहुत सी बातें होंगी,
बस चलते चलते यही कहना है, हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।